हालेलुया, आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा और जलाली नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस मैग्निफिसेंट नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बार फिर से मैं आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह मैं आज भी आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा के पाक कलाम में ये कहा गया है कि जीसस बहुत जल्द वापस आएगा अपने लोगों को लेने के लिए। आप और मैं उसके लोग हैं और हमें तैयार होना है। हमारी खूबसूरती बाहरी नहीं है, हमारी खूबसूरती अंदर की है। और हम जब उसके नेचर में चलते हैं, जैसा वह है, हम उसकी तरफ बनते जाते हैं, तब हम उसकी नज़र में खूबसूरत बनते जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको इनक्रेज करना चाहता हूँ, खुदा आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि आप तैयार रहें। और ये जो सभाएं हैं, जितनी भी हम सभाएं हम YouTube पे लेते हैं, चर्च में लेते हैं, हमारा एक ही पर्पस है कि हम भी तैयार हों और हमारे साथ लोग भी तैयार हों। ये कलीसिया, वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है जिसके लिए वो मरा था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, बहुत जल्द हम घर जाएंगे और हम वहीं रहेंगे जहाँ वो रहता है। आज वीडियो नंबर 78 में मैं आप सभी को वेलकम करता हूं। और आज का बहुत टॉपिक इंटरेस्टेड है, माउंटेन्स के ऊपर, पहाड़ के लिए हम बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आज के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करूं, मैं सबसे पहले एक वर्ड आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम जो कुछ भी बता रहे हैं वो कलाम में लिखा हो, वो वचन में लिखा हो। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ मत्ती 5 अध्याय का पहला वचन। यहाँ लिखा है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके साथ उसके पास आए। बड़े ध्यान से सुनिए, कुछ पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है पर कुछ पहाड़ों पर चढ़ना नहीं है, उनसे बात करनी है कि वो उखड़ जाएं और समुद्र में जा पड़े। लेकिन आज हम, आपने देखा होगा कि हम कई बार जिन पहाड़ों पे हमें चढ़ना है हम उनसे बात करते हैं, और जिन पहाड़ों से हमें बोलना है हम उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। आप नहीं समझे होंगे शायद, इसलिए मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कुछ पहाड़ ऐसे हैं जिन पर आपको क्लाइम करना है, आपको चढ़ना है, पर कुछ पहाड़ ऐसे हैं जिनको आपको छूना भी नहीं है, आपको चढ़ना भी नहीं है, आपको उनसे बात करनी है। और मैं इस बात को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, आपकी ज़ुबान में ज़िंदगी और मौत है। बाइबल बताती है जीप के वश में लाइफ और डेथ, ज़िंदगी और मौत है, और जो आप कहेंगे वही आप देखेंगे। ये एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, ये एक खुदा के द्वारा बना हुआ एक नियम है कि आप जो कहेंगे आपके साथ वो होगा। इसीलिए मैं आप में से हर एक को ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर नेगेटिव बोलने के बड़ा खिलाफ है, क्योंकि ये आपके लिए ही हानिकारक है। बाइबल बताती है जब यहुन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म होने वाला था, तब उसके पिता जकर्या ने बिलीव नहीं किया कि उसे बुढ़ापे में बच्चा हो सकता है, जबकि उसके सामने एग्जाम्पल था इब्राहिम, उससे भी बुढ़ापे में हुआ था, लेकिन उसने कहा मैं ये बात कैसे मान लूँ। परमेश्वर ने उसे गूंगा कर दिया, क्योंकि ये उसके लिए भी अच्छा नहीं था और परमेश्वर के राज्य के लिए भी अच्छा नहीं था। सुनिए, हमेशा याद रखिए, आपके शब्दों में जिंदगी है, आपके शब्दों में लाइफ है, आप जो कहेंगे आपके साथ वो होगा। यीशु मसीह एक जगह से जा रहे थे और उन्हें भूख लगी और वो पेड़ को देखकर उसके करीब गए तो उन्होंने क्या देखा कि उसमें कोई फल नहीं है, और बाइबल बताती है यीशु ने कहा तू सूख जा। यीशु मसीह उसे कहने के बाद यहाँ वहाँ नहीं देख रहा था कि वो सूखा कि नहीं सूखा, वो आगे चल दिया। वो जानता था कि मैंने कहा है उसे सूखना पड़ेगा। अगले दिन जब वहाँ से वो लोग फिर से गुजर रहे थे, तब चेलों ने जीसस को पॉइंट करके कहा कि देख प्रभु, जिस पेड़ को तूने कल सूखने के लिए कहा वो सूख गया है। तब यीशु ने कहा यदि तुम इस पहाड़ से कह दो कि उखड़। अब मुझे बताइए, पेड़ और पहाड़ में कितना फर्क होता है। पेड़ कितना बड़ा होता है और पहाड़ कितना बड़ा होता है, कई 100 गुना ज्यादा बड़ा पहाड़ होता है। जीसस उनको ये कह रहा था, ये तो छोटी सी बात है, अगर तुम इस बड़े पहाड़ से भी कह दो जो इससे कई गुना बड़ा है तो वो भी तुम्हारी बात मान लेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम से लड़िए मत, उन प्रॉब्लम से बातें करिए, उस प्रॉब्लम को कहिए
कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, तुझे जाना होगा, वो सबमिशन में आएंगे। आपको ये कहना है, बाइबल बताती है कि वो कन्फेस कर रहे थे जब उस दीवार को वो घूम रहे थे और वो कह रहे थे प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। आप जानते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब जब यहोशापात लड़ने जा रहा था तो वो एक ऐसी सेना को उसने रखा था आगे जो स्तुति कर रही थी। यीशु यहां पर पावर ऑफ कन्फेशन बता रहा है कि अगर तुम्हारा विश्वास है कि यस जो मेरे साथ है वो उन पहाड़ों से बढ़कर है, और जब तुम मुझे मद्देनजर रखे उन पहाड़ों से बात करोगे, उन पहाड़ों को उखड़ना पड़ेगा। हम में से बहुत लोग हो सकते हैं जो अपनी जिंदगी के हालातों से लड़ते हैं, स्ट्रगल करते हैं, सिर्फ काउंसलिंग ही लेते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम से कैसे निकलूं। मैं नहीं कहता हूं कि काउंसल लेना कोई गलत बात है, लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपनी प्रॉब्लम से आप बात करते हैं, आप कहते हैं मेरे पिताजी ठीक हो जाएं, मेरी मम्मी ठीक हो जाए, मेरे घर वाले भले चंगे रहें, मैं अपने भले और अच्छे दिन देखने वाला हूं, क्या आप ये कन्फेस करते हैं? नहीं, हम में से कुछ लोग बिल्कुल नहीं करते। इस कारण आप जब बोलेंगे नहीं तो आप उन पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपके लिए नहीं है। यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि यीशु पहाड़ पे चढ़ा। आप जानते हो कुछ पहाड़ों पे चढ़ना है, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपसे बात करे तो आपको उसके लिए हर दिन अपना समय निकाल के बैठना होगा। कभी कभी ये आसान नहीं होता क्योंकि हमारे मन में बहुत से विचार होते हैं। यहां पर लिखा है यीशु पहाड़ पे चढ़ गया और चेले भी चढ़कर ऊपर आए, और जैसे वो ऊपर गए उन्होंने यीशु की आवाज सुनी। यीशु मसीह उनसे बात कर रहे थे, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाते हैं, धन्य है वे जो शुद्ध हैं, धन्य है वे जो दयालु हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। अगर वो नीचे होते वो उसकी आवाज नहीं सुन पाते, वो उसकी शिक्षाओं को नहीं सुन पाते, लेकिन उन्होंने मेहनत की। पहाड़ पे चढ़ना आप भी जानते हो आसान नहीं होता, लेकिन वो ऊपर गए, वो चढ़ के ऊपर बैठ गए। अगर आप ये चाहते हो कि परमेश्वर आपसे बात करे तो आपको इस पहाड़ पे चढ़ना होगा, आपको ऊपर बैठना होगा ताकि आपको प्रभु बात कर सके। वाचा की पट्टियां नीचे भी भेजी सकता, परमेश्वर भेज सकता था, लेकिन उन पट्टियों पे 10 आज्ञाएं जो लिखी गई थी वो ऊपर दी गई। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, कुछ पहाड़ ऐसे हैं जिन पर आपको चढ़ना होगा, पर कुछ पहाड़ ऐसे हैं आपको उनसे बात करनी होगी। यहां पर यीशु मसीह हमें समझा रहे हैं कि जब तुम देख रहे हो कि पहाड़ जैसी तकलीफें तुम्हारे सामने खड़ी हैं, तो तुम्हें उससे लड़ना नहीं है। हमारे जिंदगी में मेरे भाइयों बहनों, कभी हम अपसाइड डाउन लाइफ जीते हैं। कई बार हम पहाड़ों से कहते हैं कि उखड़ो, और कई बार हम पहाड़ों से जिनको कहना है उखड़ो, हम उन पर चढ़ लेते हैं, और कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि जिन पहाड़ों पर चढ़ना है हम उनसे बात करते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने हालातों से लड़िए मत, अपने हालातों से बात करिए खुदा को देख कर कि खुदा इन पहाड़ों से बढ़कर है, और उनसे बात करिए, आपके पहाड़ उखड़ जाएंगे। लेकिन जब बात परमेश्वर के करीब जाने की होती है तो आपको मेहनत करनी है, आपको खाना कम खाना है, आपको सोना कम है, आपको बात कम करनी है, ताकि आपके अंदर खुदा के साथ बैठने की एनर्जी हो, ताकि आप वहां पर बैठ के प्रभु की आवाज को सुन पाए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, कुछ पहाड़ों पे चढ़ा जाता है, कुछ पहाड़ों पे बात की जाती है। यहां पर 5 में लिखा गया है यीशु पहाड़ पे चढ़ गया, और आगे लिखा है कुछ समय के बाद कि उसे पहाड़ से बात की। इन बातों को लर्न करिए, स्ट्रगल मत कीजिए, लड़िए मत पहाड़ों से, उन्हें कहिए। लेकिन जब बात खुदा में बढ़ने की आती है, करीब आने की आती है, तो आपको मेहनत करनी है, आपको स्ट्रगल करना है, और आपको खुदा के करीब जाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन को आपने जरूर समझा होगा, और हमेशा की तरह मैंने आपके लिए एक आर्टिकल लिखा है, और आज के आर्टिकल का नाम है पहाड़, माउंटेन। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये आर्टिकल मिले, तो आपको इस नंबर पे जो इस समय स्क्रीन पर है, जहां पर आप बड़े अक्षरों में नंबर देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर अपना नाम और आप कहाँ से हैं आपको लिखना है, और नीचे लिखना है कोड वर्ड पहाड़, और हम वो आपको आर्टिकल भेज देंगे। यदि आपने आज के वचन से कुछ सीखा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और यदि
आप चाहते हैं कि हम ये सीरीज़ कंटिन्यू रखें बेसिक टीचिंग्स की, तो भी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन ने आपको आशीष दी होगी। आप सभी को जय मसीह की।